नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माई चैनल। आज जो गाना मैं सिखाने जा रही हूँ वो है एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, जिसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कुछ टाइम पहले। और शुरू करती हूँ लेसन। बेसिकली इट्स अ हारमोनियम सॉन्ग, पूरा गाना हारमोनियम पे है। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक खासियत होती है। हारमोनियम में जो आप आलाप, जो ताने, जो हरकतें ले सकते हैं वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में सेम टू सेम वही इफ़ेक्ट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी पहले आई थी लेकिन मैंने इसी डर से एक्चुअली मैं ट्राई नहीं कर रही थी कि ये गिटार पे कैसा साउंड करेगा, लेकिन फिर मैंने अभी ट्राई किया है। तो म्यूज़िक पोर्शन छोड़ दिया है मैंने म्यूज़िक में, क्योंकि काफ़ी कुछ है, बहुत सारी वेरिएशंस हैं। मैंने सिंपल रखा है ताकि ईजिली सीखा जा सके, तो मैंने केवल मुखड़ा और अंतरा रखा है। मैंने भी इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है ये गाना। तो शुरू कर दी हूँ। टैब्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे अगर टैब्स चाहिए तो। आज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना पड़ता मेरे को, इसलिए मेहनत बचाने के लिए अपनी। तो स्ट्रिंग फर्स्ट एंड सेकंड है, जितने सिंप्लीफाई कर सकती थी उतना सिंप्लीफाई किया है मैंने। तो शुरू करते हैं E9 से शुरू करेंगे। पहली लाइन, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, यही लाइन बार बार रिपीट होती रहती है। मुखड़ा केवल इतना ही है, तो देख लेते हैं। ये जिंदा जिंदा E9 पे दो बार जिंदा रहने E10 E9 E9 जिंदा रहने, ये हो गया जिंदा रहने के लिए के E9 पे लिए के लिए ली 9 पे और लिए के ए के लिए स्लाइड करेंगे E10 से E12 के लिए, ये जिंदा रहने के लिए, ये हो गया। तेरी कसम तेरी तेरी, इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। तेरी में कितनी देर रुकना है वो आप गाना सुने, गाना ट्राई करने के पहले एक बार गाना सुन ले तो आइडिया लग जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसे प्ले कर देती हूँ तो वो अलग धुन निकल के आती है, कुछ अलग ही ट्यून। तो तेरी करके ये है तेरी, देन कसम तेरी कसम का सम, सम में हमें दो फ्लाइट्स लेनी है। फुल नोट्स हैं E9 से E7, देन E7 से E5। तेरी कसम ये है, ये है इसके नोट्स और ये हमको स्लाइड में प्ले करना है। तो ये पूरी लाइन हो गई। और फिर जब दोबारा ये लाइन रिपीट होगी, जब हम दोबारा ये लाइन प्ले करेंगे तो हम यहाँ पे ख़त्म किया था, यहाँ से स्लाइड करते हुए E9 पे जाएंगे जहाँ से हमारा जिंदा शुरू होता है। इस तरह से फिर ये रिपीट होती है जिंदा रहने के लिए। सेकंड टाइम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, इस लाइन के पहले यहाँ पे आने जल्दी से B9 और B7 ले लेंगे, एक मुलाकात ज़रूरी है कि पहले। ये पहला हो गया, अब एक मुलाकात ज़रूरी है। तो एक मुलाकात, एक B7 दो बार, एक मुलाकात में बहुत सारे नोट्स हैं तो देख लीजिएगा ध्यान से। एक मुला मू, चार अक्षर है मुलाकात, तो चारों के नोट्स ध्यान से समझ लीजिए। मू B7 पे ही रहेगा, ला में B9 एंड E7। एक मुला, एक मुला आ, मुला आ। नाउ कात का का में भी दो नोट्स हैं, एक मुलाकात,
7 और ख़त्म करेंगे बी त आएगा बी 5 पे। एक मोला एक मोला का आत का आत का आत एक मोला का आत। जरूरी है सनम जरू जरू बी 7 पे जरूरी री में E7 एंड E5 स्लाइड कर सकते हैं जरूरी इस तरह से या फिर स्लाइड कर दीजिए जरूरी है सनम B9 है सनम B7 और फिर ये लाइन भी रिपीट होती है तो इसको रिपीट में लेने के पहले 5 नोट्स जल्दी जल्दी लेने हैं E9 E7 E5 3 फुल नोट्स यहाँ के हो गए और 2 फुल नोट्स सेकंड स्ट्रिंग के B9 और B7 पे आके रुकेंगे इस तरह से ये है एक मुलाकात जरूरी है सनम ये है म्यूजिक तो ये था इसका मुखड़ा यहीं पे खत्म हो गया अब अंतरे पे आते हैं अंतरे की पहली लाइन है तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया इसी के ट्यून पे आगे की 3 लाइन है तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया जमाने से मुझको बेगाना किया और 2-2 टाइम्स रिपीट हुई हैं तेरे चाहतों ने ये क्या गम दिया 2 बार है देन तेरे इश्क ने ये दीवाना किया वो भी 2 बार है जमाने ने मुझको बेगाना किया तो समझ लीजिए टोटल 5 बार ये जो मैं लाइन सिखाने जा रही हूँ टैब्स बताने जा रही हूँ ये आपको टोटल 5 या 6 बार प्ले करने हैं तो शुरू करेंगे E7 से तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया E7 से सॉरी तेरी E7 पे तेरी चाहतों E9 तेरी चाहतों ने E9 पे ने ये E9 पे तो E9 टोटल आपका 5 बार हो गया तेरी चाहतों ने ये क्या क्या में हम दोबारा E7 पे आ जाएंगे तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया क्या गम E12 दिया E10 एंड E9 दिया गम दिया गम दिया तेरे चाहतों ने ये क्या गम दिया देन तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया जैसे मैंने बोला था सेम ही है तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया जमाने से मुझको बेगाना किया सेम ही है जमाने से मुझको बेगाना किया देन उसके बाद की लाइन है दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है दीवाने तेरे प्यार में ये पूरी लाइन E10 पे है वो कितनी बार है ये आप लोग काउंट कर लीजिएगा दीवाने तेरे प्यार में पूरा E10 देन बड़ा में चेंज होगा बड़ा बड़ा E10 एंड E9 बड़ा ही अगेन E10 बड़ा ही दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है बुरा E9 एंड E7 बुरा हाल है E7 पे दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है 3 ही नोट्स हैं E10 E9 और E7 इन्हीं तीनों में पूरी लाइन है दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश है ना ख्याल है इसके लिए B9 एंड E7 खड़ी हूँ तेरी राह में
E7 और B9 पे पूरी, इन्हीं दो टैब्स में ये पूरी लाइन खड़ी, ऑल्टरनेट चलता जाएगा, खड़ी E7 B9 खड़ी हूँ, अगेन E7 तेरी, B9 तेरी राह में, B9 राह में, E7 पे खड़ी हूँ तेरी राह में, ये है खड़ी हूँ तेरी राह में, E7 से शुरू किया है, खड़ी हूँ तेरी राह में, ना होश है ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, ना होश E12 ना होश, E12 E10 E12 ना होश, ना होश ना, ना E10 पे ना होश ना ख्याल है, ख्याल है पूरा E9 पे ख्याल है, तीन बार। तो ये दोनों पूरी लाइन एक साथ में प्ले करके दिखा देती हूँ, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, E10 से था सॉरी, एक बार लास्ट टाइम प्ले करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसके बाद फिर गाना खत्म है, उसके बाद वही शुरू हो जाता है एक मुलाकात जरूरी है सनम, स्लो में एक बार दिखा देती हूँ, दीवाने तेरे प्यार में दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में, लिरिक्स हो जाती हूँ, खड़ी हूँ तेरी राह में, ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, देन वही एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो ये था आज का लेसन, लेसन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको गिटार की लीड सीखनी है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय एंड प्रणाम।